अबाउट लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको लाइंस के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। लाइंस मीन रेखाएं, रेखाएं जिनसे हम अपने लक्षर यानी कि अल्फाबेट जो ABCD या फिर SNR SAM जो बनाते हैं वो इन सब रेखाओं को मिलाकर ही बनते हैं। चलिए देखते हैं हम इन रेखाओं को कैसे बनाते हैं। पहली रेखा है हमारी स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन मीन्स खड़ी रेखा। सेकेंड वन इज स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन को कहते हैं हम पड़ी रेखा। थर्ड इज स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन मतलब तिरछी रेखा। एंड फोर्थ इज कर्व, ये कर्व हमारा इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, तो ये दोनों तरफ से बनता है। अब हम देखते हैं कि इन लाइंस को हम कैसे अपने वर्ड बनाने में प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई है, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या बन गया अब वन। अब हम देखते हैं ये जो हमारी तीन लाइंस जो बची हैं इनको हम ए के वर्ड में यूज करते हैं। देखिए जरा, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, देन कर्व, तो हमारा क्या बन गया है ये थ्री। तो ऐसे इन लाइनों को प्रयोग करके हम अपने वर्ड बना सकते हैं। इसे हम हिंदी में भी यूज करते हैं, इंग्लिश में भी यूज करते हैं और मैथ में भी, तीनों सब्जेक्ट में हम अपना इन लाइनों को यूज करके अपने लेटर बना सकते हैं। जो आज हमने ये लाइंस बनाना सीखी हैं, अब इनसे हम अक्षर कैसे बनाते हैं ये देखेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड।